नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री वो कर सकती है जो बॉलीवुड कभी नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में अगर बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश भी की जाती है तो बनती है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्म। लेकिन दोस्तों, अगर कोई बड़ी फिल्म बनाते हैं तो साउथ वाले, और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे पास बाहुबली 2 और 2.0। तो दोस्तों, अब साउथ एक और बड़ी फिल्म बनाने वाला है, और वो बड़ी फिल्म और कोई नहीं, हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण है। जी हाँ दोस्तों, रामायण पे फिल्म बनने वाली है, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो रिलीज कर दी गई है, जिस फोटो में फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं अल्लू अरविंद और उनके साथ में मधु मंटेना और नमित मल्होत्रा। वही दोस्तों, इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग पे काम करने वाले हैं नितेश तिवारी और रवि उपाध्याय। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं, इस फिल्म को 3 लैंग्वेज में रिलीज किया जाना है, तमिल, तेलुगु और हिंदी। और दोस्तों, फिल्म को बनाया जाना है 3 पार्ट्स में। आपको बता दूं दोस्तों, फिल्म में तीनों इंडस्ट्री यानी तमिल, तेलुगु और हिंदी, तीनों इंडस्ट्री के बड़े स्टार कास्ट को साइन किया जाना है। यानी कि फिल्म पूरी तरह से ना तो टॉलीवुड की रहेगी, ना तो कॉलीवुड की और ना ही बॉलीवुड की, क्योंकि फिल्म में बॉलीवुड के भी कुछ बड़े चेहरे नजर आएंगे, साथ ही साथ तमिल इंडस्ट्री के भी और तेलुगु इंडस्ट्री के भी। हालांकि अभी स्टार कास्ट फाइनल नहीं हुई है कि फिल्म में कौन से हीरोज को लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म के प्रोड्यूसर अगर अल्लू अरविंद है तो ये बात कन्फर्म हो जाती है कि फिल्म में अल्लू अर्जुन नजर आएंगे, क्योंकि अल्लू अरविंद अल्लू अर्जुन के पिताजी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन इस फिल्म में नजर आते हैं तो इनके अलावा रामचरण भी नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों, अल्लू अर्जुन और रामचरण तो 99% कंफर्म हो ही चुके हैं। देखना यह है कि बॉलीवुड और कॉलीवुड यानी तमिल इंडस्ट्री से इस फिल्म में कौन कौन नजर आने वाला है। और अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, तो दोस्तों फिल्म का बजट बताया जा रहा है लगभग 500 करोड़ रुपए, और फिल्म को 3 पार्ट में बनाया जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो दोस्तों, पहले पार्ट का पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है, और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी 2020 से, और उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म 2021 तक रिलीज हो जाएगी। हो सकता है 2021 के क्रिसमस पे रिलीज हो। तो दोस्तों, सबसे अच्छी न्यूज़ तो है अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए, क्योंकि अल्लू अर्जुन के फैंस कब से चाहते थे कि अल्लू अर्जुन को हम किसी हिंदी फिल्म में देखें। तो दोस्तों, अब अल्लू अर्जुन बॉलीवुड में तो डेब्यू नहीं कर रहे, लेकिन उनकी बड़ी फिल्म डायरेक्ट हिंदी में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, इससे अच्छा डेब्यू और अल्लू अर्जुन के लिए क्या हो सकता है। लेकिन अभी देखना दिलचस्प यह होगा कि अल्लू अर्जुन तो नजर आएंगे, साथ ही साथ क्या रामचरण नजर आते हैं या नहीं, और इसके अलावा बॉलीवुड में से कौन कौन इस फिल्म को साइन करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, फिल्म का बजट जहां 500 करोड़ है, तो यह तो स्वाभाविक सी बात है कि फिल्म में बड़े चेहरों का होना जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा बजट की फिल्म में बड़े चेहरे रहेंगे जब भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी। और दोस्तों, अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि बाहुबली का कोई रिकॉर्ड तोड़ेगी तो वो है रामायण। अब देखते हैं दोस्तों, फिल्म के बाकी स्टार कास्ट कब फाइनल होती है और फिल्म से लेकर और क्या अपडेट आती है। और से दोस्तों, अगर इस फिल्म से लेकर कोई भी नई अनाउंसमेंट होती है या कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखें अपना।